हेलो फ्रेंड्स, आज हम डोडा मिठाई बनाने वाले हैं। मैं डोडा लड्डू बना रही हूँ। ये रेसिपी बनाना बहुत ही ज़्यादा सरल है। इसको हम दलिये से बनाने वाले हैं। यह बहुत ही पौष्टिक होती है क्योंकि इसमें दलिया होता है और ये बनाना बहुत ही इजी होता है। चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। लेकिन इससे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है गाइस, और आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो डोडा मिठाई बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 चम्मच गाय का घी लिया है। जब घी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तब हम इसमें दलिया डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं मार्केट वाला दलिया यूज़ कर रही हूँ क्योंकि फ़िलहाल मेरे पास होममेड दलिया नहीं था। अगर आप लोगों के पास होममेड दलिया है तो आप वो ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने आधी कटोरी दलिया ले रही हूँ। तो बस इतनी ही दलिया से हम सिर्फ इतनी सी दलिया से हम 15 से 20 लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। और अगर आप मिठाई बनाओगे तो 20 मिठाई के पीसेस बन के तैयार हो जाएंगे इतने दलिये से। तो यह इस दलिये को मैं अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। घी में अच्छे से रोस्ट करना है, इसका कलर चेंज हो जाने देना है। मीन्स ये लाइट ब्राउन कलर हो जाएगा, दलिया अच्छे से फूल जाएगा, उसके बाद हम इसमें दूध डालेंगे। तो आपको कंटिन्यूसली चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे दलिये को सेकना है। कंटिन्यूसली इसलिए चलाना है क्योंकि मीन्स हमको इवनली दलिया फ्राई होना चाहिए, रोस्ट होना चाहिए अच्छे से। तो देखिए यहाँ पे दलिये का कलर चेंज हो गया है, हल्का सा ब्राउन सा हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे दूध। तो यहाँ पे मैं दूध ले रही हूँ, वो फुल क्रीम मतलब भैंस का दूध ले रही हूँ 1/2 लीटर। और मैं इसको चला दूँगी। इसकी मलाई जो है, मलाई भी इसमें मैंने डाल दी थी, मलाई मेल्ट हो जाएगी तब हम इसमें शुगर डालेंगे। तो आप यहाँ पे फ्लेम को हाई कर दीजिए और देखिए अच्छा सा बॉईल आ गया था। मैंने शुगर डाल दी है, शुगर जितना दलिया लिया था उतनी ही शुगर ले रही हूँ। मैं थोड़ा सा फीका बना रही हूँ। आप लोग इस कटोरी भर के में से 1 कटोरी भर के दलिया, 1 कटोरी भर के शुगर ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 चम्मच दही। ये जो दही है बिल्कुल खट्टा वाला दही नहीं है, होममेड दही है जो कि नॉर्मल दही है। तो हमको यहाँ पे खट्टा दही नहीं लेना है। और दही यहाँ पे इसलिए डाल रहे हैं, इससे क्या होगा कि जब बॉयल दूध में हम दही डालेंगे थोड़ा सा दूध फट जाएगा तो मिठाई का, लड्डू का जो टेक्सचर बनेगा बहुत ही ज़्यादा शानदार बनेगा। तो आपको यहाँ पे दही ज़रूर डालना है, सिर्फ 1 चम्मच ही डालना है, उससे ज़्यादा नहीं डालना है। और आप डोंट वरी, इसमें मीन्स मिठाई में दही का स्वाद नहीं आने वाला है, मीन्स खट्टा टेस्ट नहीं आने वाला है। ये तो सिर्फ टेक्स्चर लाने के लिए हम लोग इसमें 1 चम्मच दही ऐड कर रहे हैं। तो देखिए ऐसे चलाते जाएंगे, हाई फ्लेम पे मैं इसको चलाते हुए पका लूँगी। तो इस मिठाई को बनाने में टोटल मुझे 15 से 20 मिनट ही लगे होंगे। इतनी मिठाई बनाने में मीन्स ये 20 से 25 मिठाई बनाने में मुझे सिर्फ 15 से 20 मिनट ही लगे हैं। तो ये बहुत ही ईजी है, कम टाइम में बन के तैयार हो जाती है। तो देखिए मुझे 5-10 मिनट ही हुए हैं और ये गाढ़ा हो गया, मिक्सचर जो है अच्छा गाढ़ा हो गया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोको पाउडर डाल देंगे। ये जो 2 चम्मच कोको पाउडर ले रही हूँ इतने मीन्स मिक्सचर के लिए। तो अगर आप लोगों के पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा वाइट वाले डोडा बर्फी भी बना सकते हो। और ये तो सिर्फ हम कलर देने के लिए, मीन्स इससे टेस्ट का ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ये सिर्फ हम कलर देने के लिए इसको ऐड कर रहे हैं ताकि एक अच्छा सा चॉकलेटी कलर आ जाए। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच कोको पाउडर लिया है, इसको दूध में थोड़ा घोल के फिर इसके बाद मैं इस कढ़ाई में ऐड कर लूँगी और इसको कंटिन्यूसली चलाते हुए और पका लूँगी। तो अब यहाँ पे के मिक्सचर क्या गाढ़ा हो गया है। जब मिक्सचर गाढ़ा हो जाए तो आप फ्लेम को मीडियम कर दीजिए या लो टू मीडियम कर दीजिए, हाई फ्लेम मत रखिए, अदरवाइज़ क्या होगा कढ़ाई में ही नीचे चिपकने लगेगा। और कंटिन्यूसली चलाते जाइए। तो देखिए यहाँ पे और गाढ़ा होते जा रहा है, 2-5 मिनट और लगेंगे मुझे इसको मीन्स प्रॉपर गाढ़ा करने में। तो देखिए मैं यहाँ पे चलाते हुए, तो देखिए यहाँ पे इतना गाढ़ा हो गया है। अब मैं यहाँ पे 2 चम्मच घी और ऐड कर रही हूँ। तो टोटल हमने जो जो घी यहाँ इस मिठाई में डाला है, इस लड्डू में हमने जो घी डाला है वो सिर्फ 4 चम्मच ही डाला है। देखिए 4 चम्मच घी डाल दिए हमने यहाँ पे। घी से क्या होगा कि टेस्ट तो एनहांस होगा ही, इससे जो लड्डू का जो मॉइस्चर होगा मीन्स लड्डू बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। तो इसलिए हम घी ऐड कर रहे हैं, इससे टेस्ट भी बढ़ जाएगा और मिठाई की मीन्स टेक्सचर भी अच्छा आ जाएगा।
तो इसलिए हमने यहाँ पे 4 चम्मच घी लिया है। और देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से गाढ़ा हो गया है और ये कढ़ाई छोड़ने लगा है। तो इसकी पहचान यही है कि मीन्स आप कैसे पहचानोगे कि मिक्सचर हो गया है, जब ये घी छोड़ने लगेगा। देखिए ये कढ़ाई छोड़ने लगा है, मैं घुमा रही हूँ तो ये अपने आप मीन्स पूरा मिक्सचर घूम रहा है। तो जब ये घी छोड़ने लगेगा और ऐसे ही घूमने लगेगा चम्मच से, तो फिर इट मीन्स कि ये बन के तैयार हो गया है। और आप एक ट्रायल और कर सकते हो, वो कि आप थोड़ा सा मिक्सचर हाथ में ले लीजिए और उसको ठंडा करके ऐसे गोली सी बनाइए, तो वो जो है मिक्सचर आपके हाथ में नहीं चिपकेगा, घी निकलेगा। तो इट मीन्स कि आपका मिक्सचर बन के तैयार हो गया है। तो अब आप चाहो तो इसको मिठाई बनाना है तो एक ट्रे में एक प्लेट में घी लगा के इसको फैला दीजिए और बर्फ़ी के जैसा काट लीजिए। लेकिन आज मैं यहाँ पर मिठाई ना बना के लड्डू का शेप दे रही हूँ, लड्डू बना रही हूँ। तो मैं इसको थोड़ा सा, इस मिक्सचर को थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी, फिर इसके बाद लड्डू का शेप दे दूँगी। देखिए देखिए आप इस तरीके से चेक कर सकते हो कि अगर वो हाथ में नहीं चिपक रहा है, इट मीन्स कि सही है। अब मैं यहाँ पे लड्डू बना रही हूँ इसलिए थोड़ा सा, ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है ना, तो इसको थोड़ा सा गुनगुना होने दूंगी, मतलब इतना गर्म रखूँगी कि हाथ मेरा सहन कर सके और लड्डू बना सकूँ। तो देखिए अब थोड़ा सा ठंडा हो गया था, तो मैं इस तरीके से इतना मिक्सचर लेके लड्डू बना ले रही हूँ। देखिए मैं लड्डू बना रही हूँ यहाँ पे। तो इसमें से हमने 4 चम्मच घी डाला था ना, 4 चम्मच से दो, 1 से 2 चम्मच घी तो कढ़ाई में बच जाएगा। तो मैंने जब ये मिठाई बनाई थी तो 1 चम्मच घी बच गया था, फिर मैंने उस घी का पराठे बनाने में यूज़ कर लिया था। और ये जो मिठाई है बहुत ही हेल्दी है। तो आप इस बार रक्षाबंधन के त्यौहार पे इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हो, आपकी फैमिली में सबको पसंद आएगी, आपके भाई को पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इसी तरीके से वीडियोज़ बनाती रहूँ। टेक केयर, बाय बाय।